आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए पढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये उस जमाने की घटना है जब मोबाइल फोन तो क्या टेलीफोन भी नहीं हुआ करते थे। लोग चिट्ठी पत्र से ही एक जगह की बातें दूसरी जगहों तक पहुंचाया करते थे। बाबू श्यामलाल कंत एक हेडमास्टर थे, झांसी में उनकी पोस्टिंग थी। सरकारी नौकरी होने के कारण उन्हें अपने घर से दूर शहर में रहना पड़ता था। नौकरी अच्छी होने के कारण वो अपने परिवार से दूर रहने के लिए राजी हुए थे। अकेले वहीं किराए के मकान में रहते थे। ठंडी के दिन थे, दिसंबर का महीना चल रहा था, रात का वक्त था। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण श्यामलाल कंत अपने घर के सभी दरवाजे खिड़कियों को अंदर से बंद कर लिए थे ताकि ठंडी हवा अंदर ना आ जाए। ठंडी के दिनों में लोग खा पी कर जल्दी सो जाया करते हैं। रात के 8 बज रहे थे। श्यामलाल कंत ने अपना खाना बना लिया था और वह इत्मीनान से बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद उन्होंने अपनी चारपाई बिछाई और कुछ ही देर में वो गहरी नींद में डूब गए। देखते देखते रात के कई पहर बीत गए। अचानक दरवाजे पर हुई आहट से श्यामलाल कंत की नींद टूट गई। वो उठकर बैठ गए। दीवार पर लगी घड़ी टिक टिक कर रहे थे। उनकी नजरें घड़ी पर पड़ी तो रात के 2 बज रहे थे। उन्होंने सोचा इस समय कौन आया होगा। तभी उन्हें ध्यान आया कि दरवाजे के बाहर जो आंगन का मेन गेट है उन्होंने तो वो लॉक कर रखा था। फिर उसे फांद कर कोई अंदर कैसे आ गया, कोई चोर तो नहीं। लेकिन चोर भला दरवाजे को खटखटा कर क्यों आएगा। उन्होंने अपनी रजाई हटाई और चप्पलों में पैर डालकर धीरे धीरे दरवाजे के पास आने लगे। दरवाजा खुलते ही उनकी नजर सामने वाले व्यक्ति पर पड़ी। कोहरा घना था, कोहरे की वजह से उन्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वहां उनके गांव का पुराना दोस्त दीनदयाल खड़ा था। अपने सामने अपने पुराने दोस्त को देखकर श्यामलाल कंत गदगद हो उठे। लेकिन उस समय दीनदयाल वहां क्या कर रहे थे ये उनकी समझ में नहीं आया। सबसे अचंभे की बात तो ये थी कि दीनदयाल ने ना तो कोई मोटे कपड़े पहन रखे थे और ना ही कोई शॉल या जैकेट था उनके पास। हमेशा की तरह अपनी साधारण से वेशभूषा में धोती कुर्ता पहने हुए थे। श्यामलाल कंत ने तुरंत अपने दोस्त को अंदर ले जाना चाहा। दीनदयाल तुम, वो भी इस समय, अरे आओ अंदर आओ, तुमने कोई गर्म कपड़े क्यों नहीं पहन रखे हैं। लेकिन दीनदयाल ने कुछ जवाब नहीं दिया। जैसे ही वो अंदर आए श्यामलाल कंत ने भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। श्यामलाल कंत ने उनसे पूछा, तुम रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ गर्म कपड़े लेकर आता हूँ। इस पर दीनदयाल ने उनसे कहा, नहीं तुम यहीं रुको, मुझे बस तुम्हें देखने की बहुत इच्छा थी। उनकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, मानो पहले कभी श्यामलाल कंत को देखा ही ना हो। अब मुझे जाना होगा, मेरे साथ कुछ और भी लोग आए हैं, वो बाहर मेरे लिए ही रुके हैं। श्यामलाल कंत ये सुनकर चौंक उठे। पर तुम अभी तो आए हो और इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, वो भी इतनी सर्द रात में। लेकिन दीनदयाल रुकने को तैयार नहीं थे। वो पीछे पलटे और दरवाजा खोलकर बाहर कोहरे में निकल गए। श्यामलाल कंत जल्दी जल्दी उनके पीछे गए। लेकिन बाहर निकलकर उन्होंने अपने आप को अकेला पाया। कोहरे में बहुत देर तक वो यहाँ वहाँ देखते रहे लेकिन उनका मित्र दीनदयाल उन्हें कहीं पर भी नहीं दिखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी दीनदयाल कहाँ गायब हो गया और वो अंदर कैसे आए थे, जबकि उन्होंने मेन गेट को तो बंद कर रखा था। उन्होंने जाकर मेन गेट को चेक किया तो वो अभी भी लॉक ही था। इस अजीब घटना के कारण उन्हें रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर उन्होंने गांव जाने का मन बना लिया। उन्हें किसी अनहोनी की आशंका हो रही थी। सुबह उठकर वो अपने गांव जाने के लिए रवाना हो गए। गांव पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां मातम पसरा हुआ है।
वो जब अपने घर के पास पहुंचे तो उनकी पत्नी ने उन्हें बताया, आपके मित्र दीनदयाल जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका कल ही स्वर्गवास हो गया। मरने से पहले वो आपको बहुत याद कर रहे थे और किसी भी तरह आपसे मिलना चाहते थे। ये सुनकर श्यामलाल कंत के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अगर कल ही दीनदयाल की मौत हो गई थी तो वो उनसे मिलने झांसी कैसे आए। वो जल्दी जल्दी दीनदयाल के घर जा पहुंचे जहां उनकी पत्नी और बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे थे और घर के बाहर आंगन में दीनदयाल की लाश पड़ी हुई थी। श्यामलाल कंत ने जैसे ही कफन उठाकर देखा तो वाकई में वो दीनदयाल ही थे। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। वो तारीख थी 15 अप्रैल साल 2017। अब्दुल का जन्मदिन था। अब्दुल सारा दिन ऑटो रिक्शा चलाने के बाद अपने घर की ओर निकल पड़ता है। वो अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभाता है। ऑटो रिक्शा सारा दिन चलाने के बाद वो थक जाता है, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश होता है। आज उसकी कमाई बहुत अच्छी हुई थी। वो सोचता है कि घर जाते हुए वो रास्ते से कुछ खाने का सामान लेता चलेगा ताकि उसके दोनों बच्चे और पूरे परिवार को खुशी मिले। अब्दुल अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। वो हर दिन अपने समय से ज़्यादा वक्त ऑटो रिक्शा चलाता था ताकि ज़िंदगी में कभी भी उसके परिवार वालों को किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। आज अब्दुल को बार बार फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे। ये सब फ़ोन उसके घर से ही आ रहे थे। अब्दुल के परिवार वाले उसे फ़ोन करके जल्दी आने को कहते हैं क्योंकि वो अब्दुल के साथ उनका जन्मदिन मनाना चाहते थे। अब्दुल के परिवार वाले अब्दुल को लगातार 2 घंटों से फ़ोन कर रहे थे। अब्दुल उन्हें हर फ़ोन पर मना कर देता था क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा रुपए कमाना चाहता था ताकि शांति से वो अपने परिवार के साथ जन्मदिन मना सके। रात के 11:30 बज रहे थे। इस समय गांव में लोग नींद की अवस्था में होते हैं। अब्दुल को अब कोई पैसेंजर नहीं मिल रहा था। अब्दुल ने सोचा कि अब उसे शायद कोई और मिलेगा भी नहीं और उसकी जेब में भी पूरे दिन की लगभग 1200 से 1300 तक की आमदनी हो चुकी थी। वो अपने घर की ओर निकल रहा था। उसने अपने कमीज के दोनों आस्तीनों को खींचा हुआ था। वो बहुत खुश था। वो रास्ते में ढाबे से कुछ खाने का सामान भी लेकर जाने का सोच रहा था। रात का समय होने के कारण वो तेजी से अपनी ऑटो रिक्शा को दौड़ा रहा था। ये रास्ता उसके घर की तरफ का शॉर्टकट था। वो ऑटो को जैसे हवा से बातें करवा रहा था तभी अचानक से एक तेज रोशनी उसके आंखों के सामने आई और वो खुद को बचाने के लिए ऑटो रिक्शा के हैंडल को खींचकर दूसरी ओर किया। अंधेरा होने के कारण उसे ये पता नहीं चला कि कब उसका रास्ता बदल चुका है। वो जिस रास्ते पर अब था, ये रास्ते की एक खास बात थी। वो ये कि इस रास्ते से अब्दुल का गहरा संबंध रहा है। 22 साल पहले वो इसी रास्ते से गुजरा था। अब्दुल को उस रास्ते पर जाते ही अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। उसे वही अपना सफ़र फिर से याद आने लग जाता है। वो इसी दिन 22 साल पहले आया था। रास्ता बेहद सुनसान था। वो आगे जल्दी जल्दी बढ़ रहा था कि तभी अचानक से उसकी ऑटो रिक्शा के सामने एक लड़की आ गई। लड़की की शक्ल देख अब्दुल बहुत डर गया। अब्दुल की आंखें बंद हो गईं। उसने आंखों को मसला और फिर से आगे की ओर देखने लगा, लेकिन इस बार वहां कोई लड़की नहीं थी। उसी पल अब्दुल के कंधे पर उसी लड़की का हाथ आता है। वो बेहद ही ठंडा और पसीने में भींग जाता है। वो लड़की उसे धीमी सी आवाज़ में कहती है, भैया आगे की तरफ चलेंगे। अब्दुल घबराते हुए जवाब नहीं में देता है। वो कहता है कि उसे अपने घर जाना है। वो लड़की फिर कहती है, मैं तुमको तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगी। अब्दुल डरते हुए उसे ऑटो रिक्शा में बैठा लेता है।
वो अपना फोन निकालकर अपने घर फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फोन में नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। वो लड़की उससे कहती है कि यहाँ फोन नहीं चलता। अब्दुल इस वक्त हद से भी ज्यादा घबरा जाता है जब उसे पता चलता है कि जो लड़की उसकी ऑटो रिक्शा में बैठी हुई है उसका प्रतिबिंब उसके आगे बने शीशे पर नहीं दिख रहा है। अब्दुल उस लड़की को देखने के लिए पीछे मुड़ता है तो उसका ऑटो रिक्शा से नियंत्रण हट जाता है और उसकी ऑटो बहुत ही तेजी से एक बड़े पेड़ से जा टकराती है। इसमें अब्दुल की वहीं तुरंत मौत हो जाती है। इधर अब्दुल के घर पर उसके परिवार वालों का माहौल अब बहुत चिंतित हो जाता है। पूरी रात अब्दुल की कोई खबर नहीं मिल रही थी, फोन भी नहीं लग रहा होता। अब्दुल के बच्चे और अब्दुल की पत्नी बहुत चिंतित रही। तभी उनका एक पड़ोसी उनके पास आता है और अब्दुल की पत्नी को अखबार दिखाते हुए कहता है, क्या कल अब्दुल सांगूर इलाके से आ रहा था? अब्दुल की पत्नी बोलती है कि उसे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यह अब्दुल नहीं हो सकता, वो गाड़ी कभी लापरवाही से नहीं चलाता। वो इतने विश्वास से इसलिए कह पा रहे थे क्योंकि अखबार में मरने वाले की कोई तस्वीर नहीं थी। अब्दुल के घर के सामने अचानक से पुलिस की गाड़ी पहुंचती है। सभी बहुत घबरा जाते हैं। पुलिस के हाथ में एक तस्वीर होती है, ये तस्वीर अब्दुल के लाश की होती है। पुलिस वाला अब्दुल की पत्नी से जब पूछता है तो उसकी पत्नी हाँ में जवाब देती है। अब्दुल की लाश देखकर सब अपने आंसू रोक नहीं पाते, बच्चे भी बुरी तरह से बिलखते हुए रोने लग जाते हैं। दरअसल आज से 22 साल पहले जब अब्दुल पहली बार यहाँ आया था, तब वो एक रात वो उसी रास्ते से गुजर रहा था। तब अब्दुल को शराब पीने की बुरी आदत थी। वो उस रास्ते से गुजर ही रहा था कि अचानक उसकी गाड़ी के आगे एक लड़की आ गई। इससे पहले कि अब्दुल ऑटो संभाल पाता, ऑटो तेजी से उस लड़की से जा टकराई। वो लड़की बहुत घायल हो गई और बेहोश भी, मगर क्योंकि अब्दुल नशे की हालत में था तो उसे लगा कि वो लड़की मर गई। उसने उस बेहोश लड़की को लाश समझकर पास के ही पुल से नीचे फेंक दिया और तब जाकर वो लड़की मर गई और आज उसी का अंजाम अब्दुल को भुगतना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।